हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल ट्यूटोरियल है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर लिया था। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो कि क्वेश्चन में हमारा मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, वो कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है वो मल्टीप्लाई में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -4y/5 × 1 इज इक्वल टू 1 × -4y/5। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यानी कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसमें यूज हुआ है। हम लोग लिखेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है -13/17 × -2/7 इज इक्वल टू -2/7 × -13/17। तो देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं, -13/17 और -2/7 यही नंबर क्या हो गए हैं, आपस में बस आगे पीछे हो गए हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको जो भी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, जो भी प्रॉपर्टी या फिर जिस टाइप का क्वेश्चन, वो सब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए -19/29 × 29/-19 = 1। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं यही नंबर है मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई के साथ ही क्या हुआ है, उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल हो गया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि उसी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आंसर हमारा 1 आ जाए, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उसका अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, मल्टीप्लाई 6/13 × -7/16। यानी कि जो 6/13 है उसको मल्टीप्लाई कीजिए -7/16 के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल आपको समझ में आता होगा क्या होता है, किसी भी नंबर को बस डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर बना देना है और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना देना है। तो इसके रेसिप्रोकल से -7/16 के रेसिप्रोकल से 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7। जो -7/16 है इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या हो गया, -16/7। जो हमारा डेनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दिए और जो न्यूमरेटर था उसको हमने डेनोमिनेटर बना दिया, और माइनस का साइन ऊपर में ही हमेशा लिखेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेनोमिनेटर का साइन हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, ठीक है, निगेटिव साइन को। तो -7/16 का रेसिप्रोकल हमारा आया -16/7। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो 6/13 जो नंबर हमने लिख लिया और इस नंबर का रेसिप्रोकल किए तो हमारा आया -16/7। तो -16/7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब -16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 96 और प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, ये माइनस। ठीक है, 13 7 91, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, यानी जो हमारा आंसर आया -96/91 ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, नीचे में कमेंट और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।